हरे हर हर हरे हर 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 हरे हरे हेलो हेलो
तक हर हर महादेव। सामने देखिए
ਦਿੱਤੀ। Thank you.
Nirvignam Gurume Deva Sarvakareshu Sarvada. Hanuman is a Sarvakal Bhagavati. Ram 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 Ram
Thank you.
मैं समझता हूँ सारे सोसाइटी के जितने भी सदस्य ने बधाई के पात्र हैं। मैं रस्ते च सोच रहा कि फिर सारे शहर के रेस्टोरेंट्स और होटलों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, डांस पार्टी कीतिया जा रही हैं। जो इस तरीके नाल मंदिर के कोई कार्यक्रम किया जाए और नए साल का आगमन का स्वागत किया जाए तो सही मायने च बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है और मैं बहुत बधाई देना है खास तौर पर मित्रा जी को और सब साथी जिहड़े आयुर्वेद सोसाइटी के सदस्य ने अपनी धर्म नाल अपनी संस्कृति नाल जुड़न का प्रयास एक समाज सेवी नूं एक राजनीतिक नूं करते रहना चाहिए। और ऐसे ही कार्यक्रम तुसीं इत्थे करते हो तो मेरे वालों बहुत बहुत बधाई है। और मैं जिन्हें भी लोग इस बालाजी के अज इस कार्यक्रम से आए हैं उन्हें सबको बहुत मुबारकबाद देना है। आने वाले नए वर्ष के सब के जीवन खुशियां यदि शुभकामना करता है और इतने बुलाने लिए सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। नए साल के उपलक्ष्य के जो बालाजी का गुणगान करके नए साल में आप इंतजार कर रहे हैं, मैं ग्रंथर सोसाइटी के सारे मैंबर और खास तौर पर साढ़े अमित लुद्रा जी जो साढ़े भारतीय जनता पार्टी मंडल नंबर 8 के अध्यक्ष भी ने और साढ़े च खास तौर पर आए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के महामंत्री रकेश राघव जी, महेंद्र भगत जी जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के उपाध्यक्ष ने, संजीव शर्मा मनी जी और रंजन अरोड़ा जी, उन्हें सारिया का मैं धन्यवाद करना कि जिन्होंने इतने आन के इस प्रोग्राम को चार चंद लगाए ने। और जिदा राठौर साहब ने दसिया कि जिदा अजकल दे कल्चर अजकल दी संस्कृति दे विच होटलों से जां डांस पार्टियां दा जां डीजे दा आयोजन लोग करते हैं, मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद दिना
कि उन्होंने ये धार्मिक उपराला करके जो सारे संगत को और बाला जी नाल जुड़न का और बाला जी का नाम लैके जो अज नए साल की शुरुआत कर जा रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा और बाला जी अगे अरदास करना कि इन्हों की जिन्हें भी साथी इतने बैठे ने उन्हों की मनोकामना पूरी करे, उन्होंने परिवार में हमेशा चढ़ती कला विच रहे। तो जय बाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय। Yeah.
आला सर महाराज की जो पावन जो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्वल उस धाम के बारे में बताना चाहता हूँ, मेहंदीपुर धाम के बारे में, सादा सर धाम के बारे में। क्या किस्मत बन जाती है मेहंदीपुर जाने से, किस्मत बन जाती है से। अब तालियों के साथ मिलके Yeah.
ठीक ठाक मनाया है बिताया है। इतने साडे वास्ते बाला जी 2020 का नवा साल जो साढ़े पर कल शुरुआत होनी है साढ़े सारे वास्ते मंगलमय हो शुभ होवे और असं इदा ही धार्मिक सोच लैके देख रहे हैं कि जिम्मे पहले किया गया है बिल्कुल सही गल है कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। इतने 31 दिसंबर के बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे क्लब्स आदमी सिर्फ अपनी खुशी नहीं बिता रहा है सजा के आनंद मान रहा है पर यह जो इतने आके अच बाला जी चौकी कराई जा रही है ये सारे ही इलाके वास्ते सारी मनुखता वास्ते जो सारी मनुखता की बेहतरी हुई उसके वास्ते मैं जा रहा है। कुछ दिन पहले स्वामी जी महाराज आश्रम महाराज जी की कृपा के नाल जो बहुत कथा एक हफ्ता लगातार स्वामी सत्यनारायण जी ने कराई है ये भी इस करके कि सानू सारे एक धार्मिक सोच बने जिंदगी का असली मकसद ये है कि असी परमात्मा का नाम लीए और जो भी इंसान भगवान याद रखता है वो हमेशा अच्छे काम करता है। सो मैं ज़्यादा ना कहना होया मेरे साथी सारे मेरे नाल आए ने कौंसल साहबान रैवल ग्रीन सोसाइटी के सारे मैंबर मातावान भैन नौजवान साथी सबनों इतने 2019 जान का फेर वे पार्टी वालों उन्होंने खुशी खुशी असं अच्छ विद्या कर रहे हैं भगवान का नाम लैके और नाल ही असं 2020 का भी आगमन जो कल होना है उसमें भी बड़ी खुशी के नाल असी स्वीकार करने वास्ते साढ़े वास्ते मंगलमय हुए ऐसी कामना करके श्री जो बाला जी ने छुट्टी कराई है सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम। और मेरे वीर खास करके जो कि साढ़े वास्ते बहुत अच्छे भजन गुणगान कर रहे सन श्री श्री रावत जी सो उन्होंने लुधियाना तो सो जो कि पिछले दिन भी नाल ही उन्होंने सुन का मौका मिले सो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय बाला जी जय बाला जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बेनती करूँगा स्वामी सच्चिदानंद जी से कि हमारी सोसाइटी को आशीर्वाद दें। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी की। एक बार सभी जितनी भी संगत यहाँ पर बैठी है कृपया मंच की तरफ ध्यान दें क्योंकि बातें तो हम हमेशा करते हैं लेकिन इस घड़ी को ऐसे जिएं कि ये बार बार हमारे जीवन में आए। तो एक बार सभी के दोनों हाथ ऊपर शर्माइए मत सभी के बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी की श्री कृष्ण बलदेव की जयकारा मेहंदीपुर बालाजी दा बोल सांचे दरबार की जय। सबसे पहले एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी जो कि हर अवसर को सुअवसर में बदल देते हैं ये जितने भी कमेटी के सदस्य हैं इनमें आपस में संगठनता का भाव दिखाई देता है और ये कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर समाज को ऐसे जागरूक कर रहे हैं जैसे कि समाज को जरूरत है। ये वो प्रयास है जो प्रयास हमारी पीढ़ियों को धर्म के साथ जोड़ रहा है ये वो प्रयास है जो हमारी भावी पीढ़ियों को हमारे समाज को हमारे समाज के लोगों को नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ रहा है। अभी श्री महेंद्र भगत जी ने बात कही कि नया साल एक भारतीय संस्कृति के अनुसार आता है लेकिन इस साल को भी हमारी संस्कृति का बड़प्पन है कि हम मनाते हैं ये हमारी संस्कृति का बड़प्पन है और हम इस प्रकार से मनाते हैं क्लबों में नहीं पबों में नहीं मंदिर प्रांगण में बैठकर मनाते हैं। तो इसके लिए सारी कमेटी के लिए एक बार जोरदार और
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक हैं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, संस्थान हमेशा इनके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। और एक बार फिर से परमात्मा आप सभी की उम्र लंबी करे। जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनको यही कहना चाहूंगा, नशे से दूर रहिएगा, अच्छी संगति करिएगा और अपने माता पिता की सेवा जरूर कीजिएगा। माता पिता की सेवा जिसने कर ली वो मनवांछित फल पाएगा, तभी हमारे बालाजी प्रसन्न होंगे, तभी वह ईश्वर प्रसन्न होगा। और बदले की भावनाओं का त्याग कर एक दूसरे का सहयोग कर अपने जीवन को जिएगा। और बहुत सुंदर आप भजनों का गायन कर रहे हैं जी। एक बार तो जब हम मंदिर में आए और बैठे तो उधर ही सारा ध्यान हो गया था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच काउंसलर श्री विनीत देव जी पहुंचे हैं, श्री अमित सिंह संभा जी, और मैं माफी चाहता हूं कि अभी हम भजनों का आनंद लेंगे और हमारे रमेश महाजन जी सभी लोग पहुंचे हैं, किसी का नाम अगर नहीं ले सका तो माफी चाहता हूं। काउंसलर काउंसलर पति है ये दोनों, मैंने गलती से कह दी, मेरे दोनों यार जो है काउंसलर पति है, काउंसलर हमारी भाभियां बैठी है। श्वेता धीर जी मेरी भाभी और चरणजीत को श्रद्धा जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सोसाइटी की तरफ से। रावत साहब अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपने मस्जिद से मांगी है, सबको डांस कराना है। दोनों हाथ खड़े कर लीजिए और जय कर माता जी है
लुधियाना में लुधरा साहब जागरण कर रहा, लुधियाना में किचलू नगर में जागरण चल रहा, सर्दी बड़ी भाई सच्चे दरबार की। जब जागरण शुरू हुआ तो 200 आदमी थे, कितने आदमी थे? और जब 11 बजे रोटी रोटी सबने खा ली तो फिर 50 आदमी रह गए सच्चे दरबार की। और जब 12 बजे तो 20 बंदे रह गए, वो भी मेरे सच्चे दरबार की। मतलब जगाया हुआ तो रजाई लेके सुते हो सच्चे दरबार की। ओ मैं उन्होंने रजाई खींची और मैं कहा भगत जी बाहर चलो, बाहर जगराता चल रहा ते तुसी अंदर सुते हो। कहते गाई चलो तुहाडे ते पूरा भरोसा। और मेरे लिए शर्म वाली गल तो उदो होगी, कहते जे थक गए हो तो कैसेट चला दो। तो ऐसा कुछ मत करना है क्योंकि नया साल है। खुशियां आए Thank you.
Thank you.
No
निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हें पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे अंतकाल रघुवर को जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और क्या कहा वो स्वामी जी ने और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख। तो जब ऐसे हनुमान जी महाराज जिनको सीता जी ने वरदान दिया है अजर अमर गुण निज सुत हो करो के पालन नायक छो अजर हो जाओ अमर हो जाओ हनुमान जी महाराज और भक्तों के कार्य सिद्ध करो ऐसे हनुमान जी महाराज को कहो मुन्ना पहला लगे दिल मचलने लगे चेहरे चेहरे पे रंगे शबाब आ गया। बात कुछ भी न थी बात ये हो गई आज महफिल में वो बेनकाब। दिल महिमा अपरम पार सामने सुनकर आया हूँ देखो मैं जिसका गुणगान कर रहा हूं मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं सच्चे दरबार की। ये बड़े बलशाली हैं बड़े कृपालु हैं बड़े दयालु हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताऊं तो आप बड़े हैरान रह जाओगे सच्चे दरबार की। झूठी बात नहीं करूंगा दरबार में खड़ा हूं मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताऊं तो आप बड़े हैरान रह जाओगे। अच्छा जी हनुमान जी महाराज ऐसा भी कर सकते हैं। रुद्रा साहब एक भगत जी के साथ मैंने 12 साल सुंदरकांड का पाठ किया सच्चे दरबार की 12 साल। और जब हम विदा हुए उनसे ये जुदा हुए उनसे तो उन्होंने मुझे जाते जाते पंजाबी दे दी की कर लिया चंद्रवार की क्योंकि मैं तो उनका असिस्टेंट की कर लेना अपना शुरू करेंगे खत्म हो जाएगा चंद्रवार की। लेकिन विश्वास मानिए जैसे लुथरा साहब मुझे बता रहे थे ना कि यूं बालाजी ने हाथ दे के बस यूं पकड़ लिया थाम लिया ऐसे हनुमान जी ने इतनी कृपा की इतना कृपा की जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे हर कोई। आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं सच्चे दरबार की। कदी कदी दर ते बुला ले अगर कुट के तुसीने नाल ला ले अगर तेरे बिना हुण नहीं रह सकता थोड़ा जा तरस दा खा ले अगर तेरे बिन मेरे बाला जी हुण मेरा नहीं गुजारा तेनु भगत पखे मेरा तू ही महिमा अपरम पार सामने सुन कर आया हूं झोली भरो सरकार।
Thank you.
छूटे तेरा दरबार ना छूटे झोली भरो तुम्हारे गुजारा नहीं, लाल जी तुम्हारे
ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ
Oh,
ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ
Thank you.
Thank you.